हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग होंठ का तीसरा पार्ट बनाएंगे। एक सामने से देखते हुए होंठ बनाए थे हमने और एक साइड का बनाया था। आज दूसरी साइड से बनाएंगे और जिसमें होंठ हमारे हंस रहे हैं और थोड़ा सा दांत भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पहले हम अपनी लाइन खींच लेंगे और इस तरह से, इससे हमारे होंठ जो है टेढ़े मेढ़े नहीं बने। तो इसमें हम जितना हम इस साइड रखेंगे, मान लो 1 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इधर करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हंसते हुए होंठ है तो वो थोड़े फैल जाएंगे, ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। तो 1 सेंटीमीटर अगर इधर है तो इसका 2.5 गुना इस साइड रखेंगे हम, इतना ठीक है। और ये दूरी उतनी ही रखेंगे, लेकिन हमारे इसमें होंठ पतले दिखाई देंगे और बीच में दांत दिखाई देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इस लाइन को हम होठों को ऊपर ले जाएंगे। ये लाइन इसलिए बनाइए कि सीधे रहें, लेकिन यहाँ पे नहीं लाएंगे, होंठ हमारा ऊपर जाएगा। ये दांत वाला हिस्सा हो गया और अब निचला होंठ बनाएंगे। अब अनावश्यक रेखाएं मिटा देंगे। हमने अपनी अनावश्यक लाइनें मिटा ली हैं और अब हम इस हिस्से में अपने दांत दिखाई देंगे। तो जो सेंटर में दांत दिख रहे हैं वो थोड़े बड़े बड़े होंगे और जैसे जैसे किनारे जाएंगे थोड़े कम दिखाई देंगे, इस तरह से। अब हम इसमें छाया और प्रकाश दिखाएंगे। तो ऊपर का होंठ हम थोड़ा डार्क दिखाएंगे और नीचे का होंठ थोड़ा लाइट। नीचे के होंठ में इस साइड से और इस साइड से डार्क। दांतों में हम शेडिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा इस तरह दिखाएंगे जिससे हमारे दांत अलग अलग पता लगने लगे। अपनी लाइन को डार्क कर देंगे। और अगर हंसता हुआ है चेहरा तो हमारे होंठों के किनारे इस तरह से दिखाई देता है।
हंसते हुए होठों का चित्र बनके तैयार है। आशा है तुम सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।